मैं हूं शहजादा खान और आप देख रहे हैं झारखंड टाइम्स। पटना में 3 पुलिसकर्मी जिंदा जले। घने कोहरे में पुलिस जिप्सी पर ट्रक पलट गया। विस्फोट के साथ लगी आग। SI और ड्राइवर गंभीर। पटना में घने कोहरे के कारण मंगलवार सुबह करीब 5 बजे भीषण सड़क हादसा हो गया। इसमें 3 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए। 2 पुलिसकर्मियों की हालत गंभीर है। बताया जाता है कि बेऊर मोड़ के पास सड़क किनारे गर्दनीबाग पुलिस की गश्ती गाड़ी खड़ी थी। अचानक गिट्टी लोड कर तेज स्पीड में आ रहा हाईवा जिप्सी पर पलट गया। पलटते ही पुलिस वाहन में आग लग गई और तेज विस्फोट हुआ, जिसमें जिप्सी में बैठे 5 पुलिसकर्मी झुलस गए। जब तक लोग और पुलिस मदद के लिए पहुंचती, तब तक 3 जवानों की मौत हो गई। 2 जवान को आनन फानन में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मरने वाले 3 होमगार्ड के जवान थे। मरने वाले पुलिसकर्मियों की पहचान प्रभु शाह, पुखराज कुमार और राजेश कुमार ड्राइवर जिला पुलिस बल के रूप में हुई। घायल पुलिसकर्मियों में एक ASI सिया चरण पासवान और होमगार्ड श्रीकांत सिंह है। स्थानीय लोगों ने बताया, प्रतीत होता है कि हाईवा काफ़ी तेज रफ्तार में था। घने कोहरे के कारण सामने खड़ी पुलिस की जिप्सी नहीं दिखी और वो नियंत्रित होकर उस पर पलट गया। विस्फोट इतना तेज था कि करीब 500 मीटर तक इसकी गूंज सुनाई दी। प्रतीत होता है कि पुलिस जिप्सी के फ्यूल टैंक में आग लगने के कारण यह विस्फोट हुआ। पुलिस की जिप्सी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। घटना के बाद गर्दनीबाग और बेऊर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड की टीम भी वहां पहुंची और आग पर काबू पाया गया। इसके बाद पुलिस ने 3 शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। प्रशिक्षु DSP प्रांजल त्रिपाठी ने बताया, हाईवा पर गिट्टी लोड था। आशंका है कि हादसा कोहरा के कारण हुआ। हाईवा का ड्राइवर गाड़ी छोड़कर फरार हो गया है। पुलिस CCTV फुटेज भी खंगाल रही है। आसपास के लोगों से भी जानकारी ली जा रही है। मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। झारखंड टाइम्स के साथ जुड़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज झारखंड टाइम्स टॉप लाइव को लाइक करें। साथ ही साथ हमारे ऐप झारखंड टाइम्स को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना बिल्कुल न भूलें।